प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्कूल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वाले वीडियो में हमने इंग्लिश के टॉपिक नाउन पर सविस्तार हमने चर्चा की थी और हमने ये भी देखा था कि नाउन क्या होता है। नाउन के हमने एग्जांपल देखे, नाउन की हमने परिभाषा देखी और नाउन के हमने प्रकार देखे। और पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि हम अगले वाले वीडियो में नंबर्स के बारे में, जेंडर्स के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स के बारे में और कलेक्टिव नाउन के बारे में हम सविस्तार चर्चा करने वाले हैं। तो आज इसी कड़ी में हम इस वीडियो में कलेक्टिव नाउन पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम्स में कलेक्टिव नाउन के बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, स्कूल लेवल पे और कंपटीशन लेवल पे भी इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हम शुरुआत करते हैं, चलिए सीधा ब्लैक बोर्ड की ओर। नाउन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि नाउन क्या होता है। आज देखिए कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के समूह को दर्शाता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ये परिभाषा हमने पिछले वाले वीडियो में भी देखी थी। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप पिछले वाले वीडियो को भी देखें ताकि क्रम से आप अच्छी तरह से समझ सके। तो हमारे एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, जिस प्रकार से टाइप वन हमने लिखा है, किसमें यह लिखा है, क्वेश्चन नंबर वन, द स्पेस ऑफ सोल्जर्स हैड मास्क ऑल डे। तो सोल्जर्स जो हमारे सैनिक होते हैं उनके जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो हमें हमारे यहां पर क्वेश्चन आ जाएगा आर्मी, द आर्मी ऑफ सोल्जर्स हैड मास्क ऑल डे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द स्पेस ऑफ बर्ड्स फ्लू ओवर द स्काई। कई बार हमने देखा कि आकाश में पक्षियों का एक बड़ा झुंड होता है जो उड़ता रहता है, तो पक्षियों के झुंड को किस नाम से कहते हैं, इंग्लिश में क्या उसका कलेक्टिव नाउन है, ये हम देखते हैं। तो पक्षियों के झुंड को बोलते हैं फ्लॉक, एफ एल ओ सी के फ्लॉक, द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लू ओवर द स्काई। टाइप वन में क्वेश्चन नंबर थ्री, ही गेव मी ए स्पेस ऑफ ग्रेप्स, उसने मुझे अंगूरों का गुच्छा दिया। अंगूरों के गुच्छे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बंच, बी यू एन सी एच, ही गेव मी ए बंच ऑफ ग्रेप्स। बंच वर्ड है, वो कीज के लिए भी आ सकता है, कीज, ही गेव मी ए बंच ऑफ ग्रेप्स और कीज। टाइप टू, किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं, इसमें देखिए इस प्रकार से आ सकता है, कक्षा 9 में और कक्षा 11 में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ए स्पेस ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का जो समूह होता है जिसमें अलग अलग खेलों में अलग अलग संख्या में खिलाड़ी होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, खिलाड़ियों के समूह को हम टीम कहते हैं, ए टीम ऑफ प्लेयर्स। खिलाड़ियों के समूह को हम टीम कहते हैं, वो एक समूह होता है और सैनिकों का भी एक समूह होता है, लेकिन हम उसे टीम नहीं कह सकते, हम उसे रेजिमेंट कह सकते हैं या कंपनी कह सकते हैं या हम आर्मी कह सकते हैं। तो ए टीम ऑफ प्लेयर्स। टाइप टू में क्वेश्चन नंबर टू, ए स्पेस ऑफ म्यूजिशियंस, म्यूजिशियन मीन संगीतकार, तो संगीतकारों के जो समूह होता है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बैंड, बी ए एन डी, बैंड, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। तीसरा नंबर का क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आ सकता है, तीसरे टाइप के जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से आ सकते हैं, ए फ्लीट ऑफ, ए फ्लीट ऑफ, फ्लीट जो समूह होता है वो वर्ड किन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, कौन से नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, वो होता है शिप्स, जो जहाज होते हैं, जो समुद्री जहाज जो होते हैं, जो उनके लिए ए फ्लीट ऑफ शिप्स, या उसके लिए हम कई बार बसेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ए फ्लीट ऑफ शिप्स और बसेज, ए गैलेक्सी, ए गैलेक्सी ऑफ, गैलेक्सी किसके समूह को कहते हैं, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स,
गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तारों के समूह को हम गैलेक्सी कहते हैं। ए गैलरी ऑफ, हम सामान्यतः हमारे मोबाइल में देखते हैं एक फंक्शन होता है गैलरी, तो गैलरी जो वर्ड होता है वो इस्तेमाल किया जाता है स्पेशली इमेजेस के लिए या पिक्चर्स के लिए या फोटोज के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो एक गैलरी ऑफ इमेजेस। तो अभी हमने चर्चा की कि किस प्रकार के हमारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जाम्स में भी आते हैं और हमारे जो स्कूल लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिए हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कलेक्टिव नाउन के, हम उनपे चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ऐसे शब्द हैं जो आम जीवन में काम आते हैं और हमारे परीक्षा की दृष्टि से ये जो वर्ड है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अभी हम देखते हैं, कई बार लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो लोगों के समूह को हम क्या कहते हैं, ए क्राउड, ए क्राउड ऑफ पीपल। जो मवेशी होते हैं, जो पशु होते हैं उनके समूह को कहते हैं हैड, ए हैड ऑफ कैटल या ए हैड ऑफ एनिमल्स। ए गैलेक्सी और क्लस्टर, स्टार्स के समूह को हम गैलेक्सी भी कह सकते हैं और हम क्लस्टर भी कह सकते हैं, और ऐसा ही क्वेश्चन हमने यहाँ टाइप थ्री में देखा था कि ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, ए गैलेक्सी और क्लस्टर ऑफ स्टार्स, तारों के समूह को गैलेक्सी या क्लस्टर कहते हैं। ए क्लस्टर ऑफ वर्ड्स, हमारे जो इंग्लिश में जो फोनेटिक्स होती है उसमें हम शब्दों के समूह को क्लस्टर भी कह सकते हैं, और ग्रामेटिकली अगर हम देखें तो शब्दों के समूह को हम फ्रेजेस कहते हैं। तो ए क्लस्टर ऑफ वर्ड्स, ए गैंग ऑफ रोवर्स, डाकुओं की गैंग, डाकुओं की गैंग, ए गैंग ऑफ रोवर्स। इवेंट्स यानी घटनाएं, अगर कई बार घटनाएं लगातार एक क्रम में घटती हैं, एक के बाद दूसरी घटना घटती है, एक के बाद दूसरी घटना घटती है, तो घटनाओं की एक कड़ी बन जाती है, उसे हम कहते हैं ए सीरीज ऑफ इवेंट्स। इसी प्रकार से बर्ड्स का जो समूह होता है उसे हम फ्लॉक कहते हैं, ये हमने यहाँ पे टाइप वन में हमने सेकंड क्वेश्चन में देखा था। ए ट्रूप ऑफ डांसर्स, अभी हमने देखा कि जो म्यूजिशियन जो होते हैं, गीतकार जो होते हैं, उनके समूह को बैंड कहते हैं, उनके समूह को क्या कहते हैं, बैंड कहते हैं, लेकिन अगर डांसर का समूह होता है तो उसे ट्रूप कहते हैं, टुकड़ी या दल, नृत्यांगनाओं का दल या टुकड़ी। ए जूरी, ए जूरी ऑफ जजेस, कई बार हमने कोर्टों के फैसले में भी देखा है और कई बार सरकार किसी मुद्दे की जांच के लिए एक न्यायाधीशों का जो दल बिठाती है उसे हम जूरी कहते हैं, या कोर्टों में हम उसके लिए एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बेंच, बेंच ऑफ जजेस। ए चेन ऑफ माउंटेन्स, ए चेन ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों की श्रृंखला, जहां लगातार एक क्रम में बहुत सारे पहाड़ हों, बहुत सारे पर्वत हों, उसे हम ए चेन ऑफ माउंटेन्स कहते हैं, जिस प्रकार से हिमालयन चेन, रॉकी चेन, इंडीज चेन, हिंदूज हिमालय चेन, म्यूजिशियन के ग्रुप को हम बैंड कहते हैं, हमने ये पहले स्टडी कर लिया है और हमारे कक्षाओं में क्या चलता है, कोर्स चलता है, तो वो होता है स्टडी, अध्ययन का समूह है। अगर एक ऐसा समूह हो जिसमें अलग अलग प्रकार के अध्ययन किए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं कोर्स ऑफ स्टडी। जिस प्रकार से हमारी क्लास में इंग्लिश का एक सिलेबस होता है, हिंदी का एक सिलेबस होता है, सोशल स्टडीज का एक सिलेबस होता है, साइंस का एक सिलेबस होता है, संस्कृत का सिलेबस होता है, उन सब स्टडीज को मिलाकर, सब अध्ययनों को मिलाकर हम कहते हैं कक्षा का कोर्स, तो कोर्स ऑफ स्टडीज। उसी प्रकार से सैंड, बालू मिट्टी का कोई ढेर हो, बालू मिट्टी की कोई ढेरी हो, कोई कचरा हो, गार्बेज हो, तो उनके ढेर को हम कहते हैं हीप, हीप ऑफ सैंड और गार्बेज, गंदी चीजों का जो ढेर होता है उसे हम हीप कहते हैं। इस प्रकार के मीनिंग हमें
जब हम स्वच्छता पर लेटर लिखते हैं या कोई ऐसे लिखते हैं तो इस प्रकार के जो निमन मीनिंग्स हैं, जो स्पेलिंग्स हैं, वो हमारे काम आती हैं। ए बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, जिस प्रकार से हमने देखा था अंगूरों का गुच्छा, उसी प्रकार से चाबियों का गुच्छा। उसके बाद में है ए फ्लीट ऑफ शिप्स, हमने पहले ही देख लिया है कि जो जहाजी जो बेड़े होते हैं उनके समूह को हम फ्लीट कहते हैं। तो ए फ्लीट ऑफ शिप्स एंड आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों का समूह है, उसे हम रेजिमेंट भी कह सकते हैं, कंपनी भी कह सकते हैं। ए पिंच ऑफ सॉल्ट, कई बार हम खाना खाते हैं तो हमें नमक का महसूस होता है तो हम उसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं तो हम उसे हिंदी में कहते हैं चुटकी भर नमक, हम हिंदी में उसे क्या कहते हैं चुटकी भर नमक। तो चुटकी भर नमक के लिए हमारे पास मीनिंग है ए पंच ऑफ सॉल्ट। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनमें एक समूह होता है, डायरेक्टर्स का समूह होता है, जो उस पूरी कंपनी को एग्जीक्यूट करते हैं, उसकी संचालन करते हैं, तो उनका जो समूह होता है उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या बोर्ड ऑफ मेंबर्स भी कहते हैं, या बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स भी होते हैं, जो परीक्षक जो लोग होते हैं, जो स्टूडेंट्स की जो कॉपियां चेक करते हैं उन्हें हम एक ग्रुप सॉरी ए बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स भी कहते हैं, तो ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हम पॉलिटिकल साइंस में एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं असेंबली, असेंबली का अर्थ होता है सभा, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली विधान सभा। तो जो सुनने वाले जो होते हैं, जो श्रोता होते हैं, उनके समूह को हम ऑडियंस भी कह सकते हैं या असेंबली भी हम उनको कह सकते हैं। एक क्रू ऑफ सेलर्स, हमने देखा कि जो समुद्री जो जहाज होते हैं, जहाजों के समूह को हम फ्लीट कहते हैं, लेकिन समुद्री जहाजों में जो कार्मिक होते हैं, जो नाविक जो होते हैं, जो सेलर जो होते हैं, सेल नाव चलाना नाव खेना, जो सेलर्स होते हैं उनके हम ग्रुप को क्रू कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कैप्टन या क्रू मेंबर, क्रू मेंबर मतलब किसी भी जहाज में जो कर्मचारियों का जो समूह है, जो ऑफिसियल का जो समूह है उसका एक मेंबर। उसी प्रकार से हम आम जिंदगी में वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि हम कहते हैं कि राम का तो फ्रेंड सर्किल बहुत बड़ा है, वो तो बहुत सारे लोगों को जानता है, उसका फ्रेंड सर्किल अमेरिका तक का है। तो ऐसे जो शब्द हमारे आम जीवन के हैं वो हमारी भाषा से लिए गए हैं, और हम देखते हैं जो दोस्तों का जो समूह होता है उसे ए सर्किल ऑफ फ्रेंड्स कहते हैं, दोस्तों का सर्किल, ए सर्किल ऑफ फ्रेंड्स। और ये देखिए डेलीगेट्स, डेलीगेट होते हैं जो राजनीतिक समूह, राजनीतिक जो राजनीतिक जो होते हैं या कोई बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो प्रतिनिधि होते हैं या कोई बड़े दूसरे देशों में हमारे जो दूत होते हैं उनके समूह को हम कॉन्फ्रेंस कहते हैं, ए कॉन्फ्रेंस ऑफ डेलीगेट्स। और ये देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद में हमारे जो पॉलिटिकल साइंस में जो सारे मंत्री होते हैं वो उसमें शामिल किए जाते हैं, चाहे उसमें कैबिनेट मंत्री हो, स्टेट मिनिस्टर हो या डिप्टी मिनिस्टर हो, तो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और इसी प्रकार से जो एडवाइजर होते हैं, जो किसी को सलाह देने के लिए, या जैसे पुराने जमाने में जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो उनको सुझाव देने के लिए उनके दरबारी जो हुआ करते थे, उन सारे दरबारियों का जो समूह होता था उसे हम एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और एडवाइजर भी हम कह सकते हैं। और ऐसे शब्द हमारे स्कूलों में भी काम आता है स्टाफ, स्टाफ, स्टाफ होता है जो ऑफिशियल जो लोग होते हैं उनका एक समूह होता है, कि जैसे हर विभाग में बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, बहुत सारे ऑफिशियल होते हैं, उनका स्टाफ जो होता है उनको हम ऑफिशियल, जो ऑफिसर जो लोग या अधिकारी जो लोग हैं उनके समूह को हम स्टाफ कहते हैं। कई बार हमने देखा कि पुलिस वाले ये कहते हैं कि ये स्टाफ का आदमी है, या बसों में रोडवेज में यात्रा करते समय भी लोग इस्तेमाल ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि वो स्टाफ का आदमी है, यानी वो उसी अधिकारी वर्ग का आदमी
है। और आगे वाला तो मीनिंग देंगे, कई बार हमारे देश में मर्चेंट्स होते हैं और उनका एक समूह होता है, व्यापारियों का एक समूह होता है या उद्योगपतियों का एक समूह होता है, उसे हम सिंडिकेट कहते हैं, सिंडिकेट ऑफ मर्चेंट्स या सिंडिकेट ऑफ ट्रेड्समैन, सिंडिकेट ऑफ ट्रेड्समैन व्यापारियों या उद्योगपतियों का समूह है सिंडिकेट। और हमारे जो विश्वविद्यालय जो होते हैं उनमें भी एक सिंडिकेट होती है और उसमें जो विश्वविद्यालय की जो कार्यकारी जो समूह होता है उसके जो मेंबर होते हैं उसे हम सिंडिकेट मेंबर के नाम से पुकारते हैं। और हमारे देश में एक सिंडिकेट नाम का बैंक भी है, तो बैंकिंग से जुड़ा हुआ शब्द है, व्यापारियों से जुड़ा हुआ शब्द है, इसलिए हम उसे सिंडिकेट कहते हैं। ए यूनियन ऑफ वर्कर्स, हमने देखा होगा कि हमारे देश में मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए काम करने वाले बहुत सारे यूनियन हैं। तो जो वर्कर्स होते हैं, जो लेबरर्स जो होते हैं, जो श्रमिक जो होते हैं, उनके समूह को हम यूनियन कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा ट्रेड यूनियन या वर्कर्स की यूनियन, तो ए यूनियन ऑफ वर्कर्स और लेबर्स। और कई बार देशों का जो समूह होता है उसे भी हम यूनियन कहते हैं, यूनियन ऑफ नेशंस। कई देशों का जो समूह होता है उसे भी हम यूनियन ऑफ नेशंस कहते हैं। तो हम और एग्जांपल जो कलेक्टिव नाउन है उनके देखते हैं। जैसे जो बीज है, जो मक्खियां होती है, जो मधुमक्खियां होती हैं, उनके जो समूह होता है, जो उनका छाता होता है, तो उसे हम हाइव ऑफ बीज कहते हैं। और थोड़ी बार पहले हमने देखा था जो इमेजेस होती है, जो पिक्चर्स होती हैं, उनके समूह को हम गैलरी भी कहते हैं और उनके समूह को हम एल्बम भी कहते हैं। ये एल्बम ऑफ फोटोज और स्टाम्प्स, जो स्टाम्प होती है जो लेटर्स पे लगाई जाती हैं, डाक पे, जो पोस्ट पे लगाई जाती हैं, उनके समूह को हम एल्बम कहते हैं। और हमारे घरों में भी जो फोटोज वगैरह होती थी उन्हें हम एल्बम में सुरक्षित रखते थे। एंड अलायंस ऑफ स्टेट्स, कई बार युद्ध के समय या शांति के समय भी बहुत सारे जो देश होते हैं वो एक संघ बना लेते हैं, एक यूनियन बना लेते हैं, तो हम उसे लीग के नाम से भी पुकारते हैं। जो देशों में जो समूह से लीग के नाम से भी कह सकते हैं हम उनको, कन्फेडरेशन के नाम से भी कह सकते हैं उनको, फेडरेशन के नाम से भी बोलते हैं उनको, हम लीग के नाम से भी बोलते हैं, यूनियन के नाम से भी बोलते हैं। जो देशों का जो समूह होता है जिसका अलग अलग उद्देश्य होता है, उस अलग अलग उद्देश्य के लिए उन देशों को अलग अलग नामों से उन समूह को पुकारा जाता है। तो विशेष रूप से जब युद्ध की परिस्थितियों में कोई देश आपस में कोई संगठन बनाते हैं तो उसे हम अलायंस ऑफ स्टेट्स कहते हैं। और कविताएं होती हैं, कई बार कवि जो लोग होते हैं वो एक बुक में बहुत सारी कविताएं एक साथ पब्लिश करवाते हैं, तो कविताओं का जो संग्रह है होता है उसे हम एंथोलॉजी कहते हैं, एन एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स। हम कई बार कह सकते हैं कि दिस एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स हैज बीन कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, या हम कह सकते हैं कि विलियम शेक्सपियर कंपोज्ड एन एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स। जो पब्लिक जो हमारे रिकॉर्ड होते हैं, जो प्राचीन समय के जो हमारे रिकॉर्ड होते हैं, प्राचीन किले स्मारक जो होते हैं उनमें जो रिकॉर्ड रखा जाता है उसे हम आर्कीव कहते हैं। जैसे अलग अलग जो सरकारें होती हैं उनके रिकॉर्ड अलग अलग जगह सुरक्षित रहते हैं, तो उनके रिकॉर्ड, पुराने जमा किए गए रिकॉर्ड को हम आर्कीव कहते हैं उन समूह को। और उसी प्रकार से हमारे देश में जो प्राचीन किले वगैरह हैं उनको जो संरक्षण जो करते हैं उन्हें हम आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट कहते हैं, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट। तो पुराने पब्लिक रिकॉर्ड को एक जगह रखना और उसके समूह को इंग्लिश में किस नाम से कहते हैं, आर्कीव। फूलों की जो फलों की टोकरी जो होती है, जो फ्रूट्स होते हैं, जो फलों की जो टोकरी होती है उसे हम बास्केट कहते हैं, कि देयर वाज ए बास्केट ऑफ फ्लावर्स इन द गार्डन, ए बास्केट ऑफ फ्रूट्स। जो किरणें होती है, सूर्य की जो किरणें होती है या किसी भी प्रकाश की जो किरणें होती है वो एक पुंज में चलती हैं, और जो
एक पुंज में चलती है तो उस पुंज को हम बीम कहते हैं। जिस प्रकार से लेजर बीम या टॉरच लाइट से जो लंबी जो बीम बनता है लाइट का, उसे हम बीम ऑफ रेज कहते हैं, बीम ऑफ रेज। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सूर्य की किरणें हैं वो एक बीम के माध्यम से, एक पुंज के माध्यम से लंबी दूरी तय करते हैं। ए बैकवेट ऑफ फ्लावर्स, फूलों का जो समूह होता है, जो फूलों का जो गुच्छा होता है, उसे हम बैकवेट ऑफ फ्लावर्स कहते हैं, फूलों का गुच्छा, उस गुच्छ हम उसे कहते हैं। लेकिन फूलों के गुच्छे के लिए हमारे पास कई मीनिंग है। जिस प्रकार से अगर फूलों को हम एक धागे में पिरो दें तो हम उस गुच्छे को हम बैकवर्ड न बोलकर हम उसे गार्लैंड कहेंगे, ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, क्योंकि वो उसका अलग होता है। ये गुलदस्ते जैसे फूल होते हैं और ये माला के तरह के फूल होते हैं। और फूलों के गुच्छे के लिए हमारे पास एक मीनिंग और है, और वह है ए नोज़गे ऑफ फ्लावर्स, ए नोज़गे ऑफ फ्लावर्स। अगर सुगंधित फूलों का जो समूह है होता है उसे हम नोज़गे कहते हैं, क्योंकि इसमें नोज से ही पता चलता है कि नाक में सुगंधित के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो सुगंधित फूलों के समूह को हम नोज़गे कहते हैं। तो इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। अगर हमारे पास बुक न होकर बुक्स की जो लिस्ट हो, जिसमें बहुत सारे बुक्स का नाम हो, जिनके बारे में जानकारी हो, लेकिन खुद पुस्तक ना हो, तो हम उसे कैटलॉग ऑफ बुक्स कहते हैं। हमारे स्कूलों में, लाइब्रेरियों में जब किताबें आपूर्ति की जाती हैं सरकार के द्वारा, तो एक लंबी सूची जो हमारे पास आती है उसे हम एक कैटलॉग ऑफ बुक्स कहते हैं। या इसी प्रकार से जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसको सर्च करते हैं, तो उसकी जो एक लंबी पुस्तिका टाइप की जो सूची होती है उसे हम कैटलॉग कहते हैं। तो ए कैटलॉग ऑफ बुक्स। डस्ट, डस्ट मीन धूल। अगर कहीं धूल उड़ रही है, आंधी आ रही है, तो उसे हम धूल का गुब्बार कहते हैं, धूल का गुब्बार, ए क्लाउड ऑफ डस्ट। कि देयर वाज ए क्लाउड ऑफ डस्ट इन द थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान, या देयर वाज व्हेन वी रूम सॉरी व्हेन वी ओपन द रूम देयर वाज ए क्लाउड ऑफ डस्ट इन द रूम। जब हमने कमरे को खोला तो कमरे में धूल का एक गुबार था। जो हमारे जो द्वीप होते हैं, जो समुद्री जो द्वीप होते हैं, उनका एक समूह जो होता है उसे हम क्लस्टर कहते हैं। और क्लस्टर मीनिंग को हम कई जगह देख चुके हैं, क्लस्टर ऑफ स्टार्स, क्लस्टर ऑफ वर्ड्स, क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स। तो क्लस्टर जो वर्ड है वो कई जगह इस्तेमाल होता है। तारों के समूह को भी हम क्लस्टर कहते हैं, शब्दों के समूह को, वर्ड्स के ग्रुप को भी हम क्लस्टर कहते हैं, और आइलैंड्स जो समुद्री जो द्वीप होते हैं उनके ग्रुप को भी हम क्लस्टर कहते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड्स इज ए क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स इन इंडियन ओशियन। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज ए क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स इन इंडियन ओशियन। कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो हिंद महासागर में एक द्वीपों का समूह है। एक कोड ऑफ लॉज, अगर कानूनों का एक संग्रह हो, जब कानून बनाए जाते हैं तो उनका जो संग्रह जो होता है उसे हम कोड ऑफ लॉज कहते हैं। जिस प्रकार से हम लोग न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते हैं कि यूनिफॉर्म या यूनिवर्सल सिविल कोड या पर्सनल लॉ कोड, इस प्रकार के जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें कानून के लिए या कोड ऑफ कंडक्ट, कानूनों का जो समूह होता है कोड ऑफ कंडक्ट, जो कि सदाचार का जो समूह है उसे हम कहते हैं। तो एक कोड ऑफ लॉज कानूनों का समूह है। और बेसिक जो कानूनों का जो समूह होता है उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेसिक लॉज, आधारभूत कानूनों का जो समूह होता है किसी भी देश का, वो
कंस्टिट्यूशंस होता है, संविधान उसे हम कहते हैं। कई बार कई जगह किसी भी गलती के लिए या किसी चीज की जांच पड़ताल करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए हमारी जो सरकार है वो इंक्वायरी कमीशन बिठाती है, तो कोई भी अगर अधिकारियों का समूह है और वो इंक्वायरी का काम करता है तो उसे कमीशन कहते हैं, कमीशन ऑफ इंक्वायरीज। तो जांच करने के लिए अगर कोई समूह बैठा है तो उसे हम कमीशन कहते हैं, और कमीशन शब्द है वो कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि हमारे देश भर में जो संघीय जो सेवाएं हैं या केंद्रीय जो सेवाएं हैं उनको आयोजित कंडक्ट करवाने का जो काम करता है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। और हम स्टेट्स में देशों का जो समूह होता है उसके लिए हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि अगर देशों का जो समूह तो उसे विभिन्न नामों से कहते हैं, ए एन अलायंस, अलायंस ऑफ स्टेट्स, ए कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, ए लीग ऑफ नेशंस या ए फेडरेशन ऑफ नेशंस भी हम कह सकते हैं, यूनियन ऑफ नेशंस भी हम कहते हैं। तो कन्फेडरेशन, कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, ए लीग ऑफ स्टेट्स, कई नाम देशों के लिए होते हैं जिन समूहों का उद्देश्य अलग अलग प्रकार का होता है, उनके लिए हम अलग अलग शब्द इस्तेमाल उनके लिए हम करते हैं। हाँ, हमारा अगला वर्ड है ए कैरिकुलम ऑफ स्टडीज, अध्ययन का समूह है। हमने अध्ययन के लिए कई मीनिंग पहले भी देखा था और एक मीनिंग हमारे पास और है, ए सिलेबस ऑफ स्टडीज, और एक हमारे पास मीनिंग था तो अभी हमने पहले देखा था, कोर्स ऑफ स्टडीज। इन तीनों काउंट जो कलेक्टिव नाउन है उनमें क्या डिफरेंस है? अगर स्टडीज ओनली सिंगल सब्जेक्ट हो, जैसे इंग्लिश का सिलेबस, हिंदी का सिलेबस, सोशल स्टडी का सिलेबस, साइंस का सिलेबस, ओनली वन सब्जेक्ट, ग्रुप ऑफ स्टडीज इज कॉल्ड ए सिलेबस ऑफ स्टडीज। हमारे स्कूल में चलने वाले सारे सब्जेक्ट का सिलेबस हो तो उनमें उनको जॉइंटली हम कहते हैं कोर्स ऑफ स्टडीज। लेकिन वहीं पे अगर हम कोर्स में अदर जो एक्टिविटी है जो स्कूल में होने वाले हैं उनको भी हम शामिल कर लें, जैसे स्पोर्ट्स हुआ, कल्चरल एक्टिविटीज हुआ, टूर हुआ, पिकनिक हुआ, कोई जयंती हुई, जो हमारे स्कूल में जो भी अदर एक्टिविटीज जो होती हैं स्टडी के अलावा उनको भी अगर हम शामिल कर लें तो उसे हम कहते हैं ए कैरिकुलम ऑफ स्टडीज। तो मुझे लगता है कि आपको तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ए सिलेबस ऑफ स्टडीज सिंगल सब्जेक्ट के लिए, कोर्स ऑफ स्टडीज हमारे स्कूल में चलने वाले सभी सब्जेक्ट्स के लिए, और अगर सब्जेक्ट्स के साथ साथ अदर एक्टिविटीज भी शामिल कर ली जाए तो उसे हम कहते हैं ए कैरिकुलम ऑफ स्टडीज। इसी कड़ी में आगे वाली मीनिंग, आगे वाला जो कलेक्टिव नाउन होगा, हम देखते हैं कि अगर बहुत सारे वृक्ष एक जगह पर हैं और वृक्षों का एक झुरमुट है तो हम उसे कहते हैं ए फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज, पेड़ों का जंगल। तो ए फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज का भी सिंपल मीनिंग है, और हम गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स हम पहले ही देख चुके हैं, फूलों की माला, फूलों का गुच्छ, पुष्प गुच्छ होता है, इसके लिए बैकवर्ड बैकवर्ड इस्तेमाल की जाती वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। और अगर सुगंधित फूलों का गुच्छा हो जिसमें सुगंधित हो तो उसको हम कहते हैं नोजगे ऑफ फ्लावर्स, ए नोजगे ऑफ फ्लावर्स। तो नोजगे में नोज जो वर्ड से पता चलता है कि ये सुगंधित चीजों के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है, तो ये नोजगे ऑफ फ्लावर्स। और आगे वाली मीनिंग है हमारी ए रोजरी ऑफ बीड्स, हमारे धार्मिक कार्यक्रमों में एक माला होती है मनकों की माला, उसे जाप किया जाता है तो उसे हम कहते हैं ए रोजरी ऑफ बीड्स। अगर वही माला फूलों की हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, लेकिन वही माला अगर मनकों की हो तो उसे हम कहते हैं रोजरी ऑफ बीड्स। कई बार हम न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते हैं कि पुलिस ने दो राउंड गोलियां चलाई
ये अपराधियों ने दो राउंड गोलियां चलाई तो गोली चलाने की जो घटना है उसके समूह को हम कहते हैं ए राउंड ऑफ शॉट्स, ए राउंड ऑफ शॉट्स। अगर एक पंक्ति में बहुत सारे चेयर्स हैं तो हम उसे कहते हैं ए रो ऑफ चेयर्स, कुर्सियों की पंक्ति के रो ऑफ चेयर। सिलेबस और स्टडीज हम पहले स्टडी कर चुके हैं, उसी प्रकार से अगर लोगों की एक पंक्ति हो, एक लंबी लाइन हो किसी बैंक के सामने या किसी बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे या किसी टिकट विंडो पे, तो उसे कहते हैं क्यू ऑफ पीपल, क्यू ऑफ पीपल। तो हमने अपने इस वीडियो में हमने देखा कि जो कलेक्टिव नाउन है वो किस प्रकार से हमारे एग्जाम्स में आता है, उसके हमने तीन तरीके देखे प्रश्नों को आने के, जिन तीन तरीकों से ये आ सकता है हमारी परीक्षा में। और हमने बहुत सारे जो एग्जाम्पल देखे कलेक्टिव नाउन के, जो कि हमारे जो स्कूल लेवल की जो एग्जाम है और हमारे जो कंपटीशन लेवल की एग्जाम है उसमें काफी सहयोगी साबित हो सकता है। और मुझे ऐसी आशा है कि इससे जरूर हमारे जो दर्शक लोग हैं उन्हें जरूर फायदा होगा। तो हम तब तक के लिए धन्यवाद, हम आगे वाले वीडियो में और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।